ईस्वीकरण। सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है, ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। याद रहे, अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। मेडिकोस लाइफलाइन ये यूट्यूब चैनल इस जानकारी के लिए दावा नहीं करता। क्लिप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आपको बताएंगे कि मुंह के छाले हैं तो उनको दूर करने के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर माउथ अल्सर। आप देखेंगे कि कुछ छोटी छोटी परेशानियां ऐसी हो जाती हैं जो दिखने में तो छोटी लगती हैं लेकिन परेशान बहुत करती हैं। मुंह में छाले होना काफ़ी परेशान कर देने वाला है, और कुछ लोगों के मुंह में तो आप देखेंगे कि छाले इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको कुछ दिन तक खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता। मुंह में तेज जलन और दर्द होता है, और साथ साथ इसमें पानी भी आने लगता है जो काफ़ी परेशान कर देता है। वैसे तो मेडिकल स्टोर पर आप देखेंगे कई तरीके की क्रीम और जेल सब मिल जाते हैं, जिसकी मदद से मुंह की जलन में भी आराम मिलता है और छालों में भी आराम मिलता है। लेकिन देखा गया है कि कुछ लोगों को बार बार छाले होने लगते हैं। आप भी अगर बार बार छाले होने से परेशान हैं तो हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ख़ास घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बार बार होने वाले छालों से छुटकारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट है नमक पानी के गरारे। अगर आपकी ज़बान पर और होठों पर, होठों के अंदर छाले हैं तो इसका इलाज करने के लिए आपको क्या करना है कि नमक के पानी के गरारे करें और उसका कुल्ला करें। हालांकि ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कुछ लोगों के मुंह में कुछ दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, लेकिन ये छाले आपको ठीक करने में बहुत मदद करेगा। ये नेचुरल रेमेडीज़ है। उसके बाद है हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाएं। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, मुंह के छालों को दूर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है हल्दी। आपको क्या करना है, एक चम्मच हल्दी लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हल्दी का पेस्ट बनाएं और उसको छाले पर रखें। 5 मिनट तक आपको छाले पर लगाए रखना है, और उसके बाद सादे पानी से आपको कुल्ला करना है। नेक्स्ट है बबूल की दातून। बार बार छाले आने जैसी जो प्रॉब्लम हो उसको दूर करने के लिए ये बबूल की दातून बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। अगर आपको दातून करने की आदत नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप बबूल के पत्तों को वॉश करके और मुंह में रखें और चबाएं, और कुछ देर तक इसको अपने मुंह में रख रहने दें, उसके बाद निकाल दें, तो आप देखेंगे आपको इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मुंह के छालों से। उसके बाद है शहद का लेप। हल्दी की तरह ही आप देखेंगे कि शहद में एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। उंगली की मदद से आपको क्या करना है कि शहद लेकर और छाले पर लगाएं और इसको कम से कम 5 मिनट तक रहने दें। उसके बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला करें। वैसे ये शहद लगाने से छाले पर आपको जलन महसूस हो सकती है, लेकिन आपके छाले दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा पेस्ट। आपको जीभ पर यानी कि ज़बान पर और मुंह पर जो छाले निकल आते हैं, मुंह के अंदर जो छाले आते हैं, इसको अल्सर को ठीक करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। 1/2 चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और उसको आप अपनी उंगली के साथ छाले पर लगाएं और 5 मिनट तक लगाने दें। उसके बाद आपको कुल्ला करना है सादे पानी से। तो फ्रेंड्स, ये वो रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ हैं, जो आपको मुंह के छालों से फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखें, अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।